अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे कासमी शिफा चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आपकी मदद और सेवा हम करते हुए आ रहे हैं। दुआ करें कि इसी तरह आपकी मदद और सेवा हम करते रहें और आप तक आपकी बीमारियों के ताल्लुक से हम नई नई दुआओं की जानकारी लेकर आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज दिन भर की भाग दौड़ की वजह से, काम में ज़्यादा मशगूली की वजह से या खान पीन की कमज़ोरी की वजह से या लंबे समय तक तरह तरह की दवाओं के इस्तेमाल करने की वजह से या गलत सोसाइटी में पढ़ने की वजह से हमारे बहुत से भाई कमज़ोर हो जाते हैं। कुव्वत मर्दाना उनकी कमज़ोर होकर रह जाती है, कुव्वत मर्दाना की शक्ति ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से धात जैसी बीमारी उनको जकड़ लेती है। इसी के साथ साथ सौपन दोष और अगर शादीशुदा हैं तो शीघ्र पतन जैसी बीमारी उनको छू लेती है और वो परेशान रहते हैं। दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये परेशानी है और आप कमज़ोर हैं, कुव्वत मर्दाना आपकी जवाब दे चुकी हैं, आप दवा ले लेकर थक गए हैं, अब आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप सही समय पर आए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं, आपने सही चैनल को चुना है, तो आप इस्तेमाल करें हलवा सुपारी पाक। जी हाँ दोस्तों, ये हलवा सुपारी पाक आपके अंदर कुव्वत मर्दाना की शक्ति को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी धात की बीमारी को, सीगर पतन और सौपन दोष को जड़ से ख़त्म करने में हलवा सुपारी पाक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद होगा। ये मर्द और औरत दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से जो औलाद से वंचित हैं, महरूम रहते हैं, उनके लिए तो ये एक रामबाण का काम करता है। तो दोस्तों, आप भी इस्तेमाल करें हलवा सुपारी पाक। दोस्तों, इसके साथ आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दूसरी दवाओं के लिंक देंगे, आप उनसे जानकारी लेकर भी ज़रूर मदद लें और अपनी कुव्वत मर्दाना की शक्ति में आप इजाफा करें। बात करते हैं हलवा सुपारी पाक के इस्तेमाल की, तो सुबह और शाम आप एक एक चम्मच आप दूध के साथ इस्तेमाल करें और इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई दवाएँ ज़रूर इस्तेमाल करें। उनसे मुतालिक जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे ऐप पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और याद रखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अभी इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरी दुआ की जानकारी लेकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।